हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटन फ्रेटॉक्स। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो और अगर कोई ऐसे टूल की खोज में हो जिसके जरिए आपको बिजनेस चलाने में आसानी है तो ये वीडियो आज तक जरूर से देखेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लियर वन ऐप के बारे में। क्लियर वन ऐप एक इनवॉइसिंग और इजी बिल कलेक्टिंग ऐप है जिसके जरिए आप अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही इजीली अपने कस्टमर के पास से अपना बिल कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर वन ऐप में और भी फीचर्स है जो कि आपको यूजफुल हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल टेम्पलेट्स बना सकते हैं और तो और आप अपने इनवॉइस में पेमेंट की लिंक अटैच कर सकते हैं और क्यूआर कोड भी अटैच कर सकते हैं जिसके जरिए आपके कस्टमर आपको फ्री में बिल पे कर सकते हैं। और तो और आपके कस्टमर जो भी आपको पेमेंट करते हो तो उसको आप ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकेंगे। और तो और आपको यहाँ पर एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक फीचर मिल जाएगा जिसके जरिए अगर आपके बिजनेस में आपकी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का स्टॉक कम होता है तो आपको अलर्ट मिल जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि आपको ये स्टॉक ऐड करना है। तो दोस्तों, इस ऐप का यूजर इंटरफेस यूज करने में काफी इजी और यूजफुल है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और आपको इसको कैसे यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर से क्लियर वन ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर से आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर आपको व्हाट्सएप पर रीच करे तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जनरेट ओटीपी कर देंगे और उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। और आपको यहाँ पर आपका पूरा नेम टाइप कर देना है और नीचे कंटिन्यू कर देंगे और आपका जीएसटी नंबर आप यहां पर एंटर करके नीचे कंटिन्यू पर कर देंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको डू इट लेटर पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अपने बिजनेस का जो भी नेम है वो एंटर कर देना है और लुक्स गुड पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपको स्टार्ट यूजिंग क्लियर वन पर क्लिक कर देना है। और इस ऐप की सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी जीएसटी नंबर ऐड करते हैं तो उस जीएसटी नंबर के ऊपर जो भी बिजनेस रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल्स आपको शो कर दी जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर 1 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे उसकी डिटेल्स शो कर दी गई थी। और हम नीचे स्लाइड कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 100% सिक्योर पेमेंट मेथड मिलने वाला है और उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। आप अपनी पेमेंट मेथड को सिर्फ 60 सेकंड में सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको सेटअप नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल ऐड कर लेनी है और यहाँ पर डन कर लेना है तो आपकी पेमेंट डिटेल जो है वो ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर से आप अपने एस्टिमेट को भी जनरेट करके अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है इनवॉइसेस वाला, तो यहाँ पर से आप इनवॉइस बना सकते हैं और यहाँ पर ऑल ट्रांजेक्शन्स में आपको सभी ट्रांजेक्शन शो कर दिए जाएंगे। और अगर आपको किसी कस्टमर को एस्टिमेट भेजना है तो यहाँ पर से आप एस्टिमेट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर सभी आपके इनवॉइस शो कर दिए जाएंगे। ई वे बिल्स यहाँ पर से आप क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर से आप अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। आपको ऐड न्यू का एक ऑप्शन शो कर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर के नेम और उसकी सभी डिटेल्स जो है मोबाइल नंबर वगैरह, उसका ईमेल आईडी वगैरह, उसका जीएसटी नंबर वगैरह ऐड करके आप यहाँ पर से अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिजनेस लुकअप जो कि हमने पहले देखा, आप जीएसटी नंबर से किसी बिजनेस को सर्च कर सकते हैं। इन्वेंटरी आइटम पर से आप अपनी इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर से आप अपना बिजनेस कार्ड जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर से आप HSN सर्च कर सकेंगे और आप यहाँ पर से पेमेंट का रिकॉर्ड रख सकेंगे। और कुछ ऐसे भी फीचर है जो कि अभी वेब वर्जन में अवेलेबल है और ऐप में आने वाले हैं, जैसे कि डिलीवरी चलन, क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स। तो सबसे पहले तो हम एक इनवॉइस बना ले वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर इनवॉइसेस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर न्यू इनवॉइस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सभी टेम्पलेट्स शो कर दिए जाएंगे, तो आपको जो भी टेम्पलेट्स पसंद है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ये वाला पसंद है। उसके बाद यहाँ पर यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कर देंगे तो इनवॉइस का कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट कस्टमर पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू कस्टमर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर से आप कस्टमर को ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर उसके बिजनेस का नेम और उसका जो भी नेम है कस्टमर का वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर उसका ईमेल आईडी एंटर कर सकेंगे। अगर उसके पास अपने कस्टमर के पास अगर जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आप उसका
जीएसटी नंबर ऐड कर देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक जीएसटी नंबर ऐड करके यहाँ पर फेच पर क्लिक करता हूँ, तो उसके जीएसटी नंबर के ऊपर से उस कस्टमर की सभी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर अपने आप ही फिल हो जाएगी। और यहाँ पर अगर उसके एड्रेस पर ही शिपिंग करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, और लास्ट में यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है, और आपका कस्टमर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको आपकी करंट डेट शो कर रही होगी, और यहाँ पर से आप अपनी ड्यू डेट जो है वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 14 तारीख डाल देता हूँ, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर से आप अपने आइटम को प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू आइटम पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम ऐड कर देंगे, और यहाँ पर पर यूनिट उसकी प्राइस एंटर कर देंगे, और यहाँ पर से यूनिट ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने रेफ्रिजरेटर ऐड किया है तो वो पीसेस में आता है, तो मैं यहाँ पर पीसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर से अगर आपने जो ऐड की है प्राइस उसमें टैक्स इंक्लूड है, तो यहाँ पर आप एमआरपी पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर से एचएसएन नंबर को आप सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर से आप अपनी प्रोडक्ट की टाइप को लिख देंगे, तो अपने आप ही वो एचएसएन नंबर आपको शो कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह आपको एचएसएन नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप टैप कर लेंगे। एचएसएन नंबर ऐड करते ही आपको यहाँ पर जीएसटी का रेट अपने आप ही शो कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ एचएसएन में नहीं आपको शो करता है, तो आपको मैन्युअली यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर से आपको अपनी टैक्स की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और नीचे स्लाइड कर लेंगे, यहाँ पर से आप अपने सप्लाई टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर से अगर कोई आप रिवर्स चार्ज अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर से आप अपनी पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। उस तरह आप यहाँ पर से, अगर आप चाहे तो यहाँ पर से भी अपनी पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर के लिए कुछ नोट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप उसको ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर से आप अपनी सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। तो उसके लिए यहाँ पर से आपको सबसे पहले तो ये जो डिसेबल है सिग्नेचर वाला फीचर, उसको आपको अनेबल कर देना है, जिसके बाद आपके पास कैमरे की परमिशंस मांगेंगे, जिसको आपको अलाउ कर देना है, और एक ब्लैंक पेपर पर आपको अपनी सिग्नेचर कर लेनी है, और उसको यहाँ पर सेट कर देना है, और यहाँ पर आप सेव इनवॉइस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका इनवॉइस बन जाएगा, तो आपके इनवॉइस का कार्ड आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके कस्टमर की शॉप का नेम आपको शो कर दिया जाएगा, उसका जीएसटी नंबर कितने दिन में ड्यू है वो आपको शो कर दिया जाएगा, टोटल अमाउंट आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर से आप इस इनवॉइस की लिंक को कॉपी करके आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर से अपने कस्टमर को रिमाइंड भी करा सकते हैं। तो आपका इनवॉइस कुछ इस तरह आपको शो कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया में। तो मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया है, और यहाँ पर से मैं इसको शेयर कर देता हूँ, तो पीडीएफ के रूप में आपका जो इनवॉइस है वो आपके कस्टमर को सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर प्रोफाइल पर आएंगे तो यहाँ पर से आपको आपके ई कार्ड शो कर दिया जाएंगे। तो यहाँ पर से अगर आपको कोई कार्ड पसंद है तो यहाँ पर से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहे तो यहाँ पर से कार्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पसंद आता है तो यहाँ पर से सीधा ही व्हाट्सएप पर से अपना ई कार्ड जो है वो अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं, और आपके बिजनेस के बारे में किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लियर वन ऐप, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।